नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। आइए देखते हैं दरौंदा विधानसभा उपचुनाव में इस वक्त क्या है खास। सिवान से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां दरौंदा विधानसभा उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी और भाजपा के जिला उपाध्यक्ष रहे कर्णजीत सिंह उर्फ ब्यास सिंह ने जदयू और एनडीए उम्मीदवार बाहुबली अजय सिंह को भारी मतों से परास्त कर दिया है। बता दें कि 21 अक्टूबर को दरौंदा उपचुनाव के मतदान के बाद आज गुरुवार को निर्धारित समय से मतों की गिनती शुरू हुई, जिसमें पहले राउंड से ही ब्यास सिंह लगातार बढ़त बनाए रखे और मतगणना के अंतिम राउंड तक अपनी बढ़त को बरकरार रखते हुए अपने निकटतम प्रतिद्वंदी अजय सिंह को 27,312 मतों से परास्त कर दरौंदा विधानसभा सीट पर अपना कब्जा जमा लिया। गौरतलब है कि दरौंदा की विधायक अजय सिंह की पत्नी कविता सिंह के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद से दरौंदा सीट खाली हो गई थी, जिसके बाद उपचुनाव हुआ। इस उपचुनाव में जहां राजद की ओर से उमेश सिंह और राजद के बागी प्रत्याशी शैलेंद्र यादव निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े थे, वहीं कर्णजीत सिंह और ब्यास सिंह ने भी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था। इस उपचुनाव में शुरू से ही एक कयास लगाया जा रहा था कि एनडीए दो भागों में बंटा हुआ है और भाजपा के नेता व कार्यकर्ता ब्यास सिंह को समर्थन कर रहे हैं। आखिरकार मतगणना के बाद यह कयास सच साबित हुआ। चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और सांसद कविता सिंह की एक न चली। जनता ने अजय सिंह के विधायक बनने के ख्वाब को चकनाचूर कर दिया। वहीं ब्यास सिंह की जीत के बाद पूर्व भाजपा सांसद ओम प्रकाश यादव के साथ साथ बढ़िया के जदयू विधायक श्याम बहादुर सिंह भी ब्यास सिंह के घर मीडिया के समक्ष विक्ट्री का प्रदर्शन करते दिखे। बता दें कि दरौंदा विधानसभा सीट पर कर्णजीत सिंह और ब्यास सिंह को कुल 51,207 मत, एनडीए प्रत्याशी अजय सिंह को 23,895 मत, वहीं महागठबंधन के प्रत्याशी उमेश सिंह को 20,891 मत मिले। हाँ देख बहुत कहाँ गए लगातार आपको कहते रहे कि हम बच पाई हैं। हम तो एनडीए का ही हैं, भाजपा के हैं, भाजपा के आज भी जिला उपाध्यक्ष हैं, एनडीए में दे हैं और रहेंगे। ब्यास सिंह जीतने के बाद किसको समर्थन देंगे? हम एनडीए में दे हैं और रहेंगे, एनडीए भाजपा को समर्थन देंगे। भाजपा ही हैं हम, मेरा कुल मेरा खानदान सब भाजपा ही है। दरौंदा विधानसभा की सम्मानित जनता की जीत हुई है, शरीफ जनता की जीत हुई है और अपराधी की हार हुई है। नीतीश कुमार टिकट नहीं दिया, क्या उनका महंगा पड़ेगा टिकट नहीं देना? देखिए महंगा सस्ता तो हम क्या जानते हैं, जनता नकार दिया, जनता तय करेगी, जनता मालिक है। जनता हमको लाइए अपना अगुआ बना के नीतीश कुमार और मेरे बीच का अगुआ आप रहिएगा। धन्यवाद की जीत है। भाजपा के एक एक कार्यकर्ताओं ने तन मन धन से लग करके कर्णजीत उर्फ ब्यास सिंह को जिताने का काम किया, पहली बात। दूसरी बात कि एनडीए के उम्मीदवार जो बनकर आया था उसका जानते हैं पहला पेशा क्या था? वह बकरी चोरा करके छपरा में ले जाकर बूटी बूटी काट करके एक किलो के भाव से बेचने का काम करता था, गरीब लोगों का आरसी झाड़ करके मछली बेचने का काम करता था, साइकिल चुराना मोटरसाइकिल चुराना वही उसका पेशा था। हमने तो चुनाव के पहले ही कह दिया था कि जहर खाकर मरना कबूल करेंगे, लेकिन ऐसे अपराधी को अगर नीतीश कुमार टिकट देंगे तो हम उसका विरोध करेंगे। यह जनता की जीत है, शरीफों की जीत है। सीमान में हम जहर खा कर मरना कबूल करेंगे, अपराधियों को न परसने दिए हैं न अपराधियों का पैर पसरने देंगे। ये माना जाए कि ये जो अपराध लाल लगातार अपराध को जिसे बात आप कहते हैं उनकी हार हुई है, निश्चित रूप से अपराधियों की हार हुई है और शरीफ लोगों की जीत हुई है। नीतीश कुमार ने टिकट दिया था, नीतीश कुमार से तो पहले ही हमने प्रश्न किया था, जब यही करना था तो पितरपक्ष में जब हमारे पितृजन को हम लोग पानी देते हैं उस समय इनको कहा नहीं विधानसभा का टिकट दे दिया गया, उस समय वो अपराधी थे। लोकसभा का टिकट दे देते तो बिहार जैसे गरीब राज्य का करोड़ों रुपया बच जाता है। नगर परिषद भी अरे नगर परिषद की बात छोड़िए भैया, अभी छोड़िए।